गोल्डन टेम्पल से मात्र 500 मीटर की दूरी पे आपको जलियांवाला बाग दिख जाएगा। तो यह देखिए, यह है जलियांवाला बाग। यहाँ आके आपको अपने इतिहास के बारे में और प्राचीन काल में पंजाब कैसा था इस बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे ऐसे कई बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं जहाँ पे फोटो व मूर्ति के माध्यम से आपको पुराना इतिहास बताने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे कई वीडियो हॉल बने हैं जिसमें आपको यहाँ पे घटी हुई घटना के बारे में वीडियो द्वारा बताया जाता है। राष्ट्रवादी भावना को कुचल देना चाहता था। 9 अप्रैल पंजाब में 9 अप्रैल को सभी ने मिलकर रामनवमी मनाई, पर अंग्रेजों की नजर में ये उत्सव ही उनके खिलाफ षड्यंत्र से बड़ी समारोह था। राम पूज्य दत्त, गोकल चंद, धर्मदास, दूनी चंद जैसे नेता अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे थे। तेरह अप्रैल 1919 को जब जनरल डायर को यह पता चला यहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसने अपनी सेना ले जाकर बिना किसी चेतावनी के उन पे फायरिंग का ऑर्डर दे दिया, जिस वजह से वहाँ पे भगदड़ मच गई। कई लोग गोलियों से मारे गए और कुछ लोगों ने गोलियों से बचने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। और फायरिंग जब तक नहीं रुकी जब तक उनकी सारी गोलियां ख़त्म नहीं हो गई। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें होने की वजह से किसी को भी वहां से बाहर भागने का मौका नहीं मिला। यह अमृतसर में हुई सबसे दर्दनीय घटनाओं में से एक है। यह देखिए, यह है वो कुआं जहाँ पे कई लोग गोलियों से बचने के लिए कूद गए थे। गोलियों के निशान आज भी इन दीवारों पे मिलते हैं। जो लोग यहाँ मारे गए थे उनकी याद में आज कई चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। उनके सम्मान में यह अमर ज्योति भी यहाँ पे स्थापित की गई है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।